दोस्तों बात करें सहजन की, जिसको हम मोरिंगा के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम इसको ड्रम स्टिक के नाम से भी जानते हैं। ये फुल ऑफ मिनरल्स होता है, इसके अनेकों हमें फायदे देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद में इसे जादुई पेड़ माना जाता है क्योंकि इससे लगभग 300 बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, इसीलिए ये काफी फायदे की चीज है। मोरिंगा में पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन हमें देखने को मिलता है, दूध से 17 गुना ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है, संतरे से कई गुना ज्यादा इसमें विटामिन सी हमें देखने को मिलता है और गाजर से कई गुना ज्यादा इसमें हमें विटामिन ए देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसमें प्रोटीन की, कैल्शियम की, तो ये दही पनीर वगैरह से भी ज्यादा इसमें हमें प्रोटीन देखने को मिलता है, इसीलिए ये फुल ऑफ मिनरल्स है, काफी फायदा करती है। यह एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी एजिंग एंड एंटी फंगल्स होती है, मतलब कि इसके एक नहीं अनेकों गुण होते हैं। ये प्रत्येक प्रकार के रोग में काफी फायदा करती है, तभी कहा गया है आयुर्वेद में इसे जादुई प्लांट, क्योंकि ये 300 बीमारियों से भी अधिक में फायदा हमें इसका देखने को मिलता है। आइए इसके फायदों की बात करते हैं। ये बालों के झड़ने को कम करती है, हीमोग्लोबिन के लेवल को सुधारती है जिससे खून बढ़ाया जा सकता है। यदि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है तब आप मोरिंगा का सेवन कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और लीवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी काफी फायदा करती है। वजन घटाने में मदद करती है। मेटाबॉलिज्म को सुधारती है। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है। शुगर लेवल को भी मैनेज करने में फायदा करती है। स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर मूड स्विंग जैसी समस्याओं में भी राहत दिलाती है। थायराइड में सुधार करती है। ब्रेस्ट मिल्क, यदि किन्हीं महिलाओं में ब्रेस्ट मिल्क कम बनता है तो उसको बढ़ाने में भी मोरिंगा काफी फायदेमंद होता है। यदि आपको अस्थमा, कफ वगैरह की प्रॉब्लम है, इसमें मोरिंगा के अनेक फायदे देखने को मिलते हैं। अर्थराइटिस के मरीजों के लिए भी अच्छा माना जाता है मोरिंगा। शरीर में यदि आपको विटामिन और मिनरल्स की कमी है उसको दूर करने के लिए भी मोरिंगा काफी अत्यधिक फायदेमंद होता है। यदि हम इसमें कैलोरी की बात करें तो 100 ग्राम मोरिंगा मतलब कि ड्रम स्टिक में सिर्फ 26 कैलोरी पाई जाती है, जो वेट लॉस करने के लिए भी काफी फायदा करती है। यदि हम इसमें कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 3.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसीलिए ये वेट लॉस करने में या फिर हार्ट हेल्थ के लिए काफी फायदा करती है। फाइबर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, 4.8 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है और फैट बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है, 0.1 ग्राम तक इसमें फैट देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा सकता है, इसीलिए ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए काफी फायदा करती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन काफी फायदेमंद करती है, ये सब भरपूर मात्रा में इसमें हमें देखने को मिलता है। हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदा करती है और ये ब्लड प्रेशर के लेवल को भी कंट्रोल करती है। सूजन में काफी फायदा करती है, यदि आपके इंटरनल ऑर्गन में सूजन है या फिर इन्फेक्शन है, और पेट की गड़बड़ी को रोकने के लिए भी काफी फायदा करती है क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन वगैरह भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी यूज की। देखिए इसका पूरा प्लांट फायदेमंद होता है, चाहे हम पत्तियों की बात करें, इसके फलियों की बात करें जिसको हम सब्जी बना के भी ले सकते हैं, या फिर इसके पत्तों का सेवन हम सब्जी में मिला के कर सकते हैं तड़का लगाने के लिए, और या फिर हम इसका सांभर वगैरह बनाया जाता है काफी साउथ इंडिया में, ड्रम स्टिक का सांभर काफी प्रचलित है, या फिर आप इसको बॉईल करके ले सकते हैं इसका सब्जी सूप, इसके पत्तों को सुखाकर ड्राई करके इसका पाउडर भी इसका यूज किया जाता है। ये सभी काफी बेनिफिट होते हैं हमारे बॉडी के लिए। मोरिंगा की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, और जिन लोगों को एसिडिटी है, ब्लडिंग की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर जिसे हम कहते हैं, या फिर हैवी ब्लडिंग होती है पीरियड्स के दौरान, या फिर जिनको एक्ने वगैरह, पिंपल वगैरह हो गए हैं, उनको इसका सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए क्योंकि ये गर्म प्रवृत्ति का होता है। और सर्दियों के दिनों में जिसको कपकपी अत्यधिक लगती है, जैसे बूढ़े हो गए या बच्चे हो गए, उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने मोरिंगा, जिसको हम सहजन या फिर ड्रम स्टिक के नाम से जानते हैं, इसके फायदों के बारे में जाना। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप अपनी डाइट में जरूर मोरिंगा या फिर ड्रम स्टिक की सब्जी, इसका पाउडर, इसके लीव्स जरूर इस्तेमाल कीजिए और हेल्दी रहिए।